Hello everyone, how are you? Good morning. I'm also fine, beta, and I welcome you in this session. आज की हमारी टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन जंक्शन फ्रॉम चैप्टर नंबर सेकेंड. एंड बिफोर गोइंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू आस्क यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन इन एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क टू मी. यस मैम क्वेश्चन नंबर बी में. विच टॉपिक बेटा? मैम फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपाउंड वर्ड. फिल इन द ब्लैंक विद कंपाउंड वर्ड्स. ओके यस मैम. बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, इसके बाद टू अभी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड्स विद help of these pictures. So first of all I am sharing you book open share करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने कहाँ पे गलतियां की, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं. Yes ma'am. I hope बेटा सभी को books दिख रही होंगी स्क्रीन पे. No ma'am. बेटा जिसको नहीं दिख रही है उसका आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं दिख रही है. अविरल आपको दिख रही है? मैम एक बार दिखी थी फिर कट गई. मीन्स आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है. मैम दिखने लगी. ओके सो नो नॉइज बेटा, अभी आवाज नहीं करेंगे. आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये रॉन्ग किया था, सो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. लुक आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड्स विद ई विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर्स. ये देखिए डो, डो मीन्स होता है गीला आटा. जब हम ब्रेड बनाने के लिए आटे को गूंथ के रखते हैं सो इट इज कॉल्ड डो, डी ओ यू जी एच. ओके यस मैम. एंड इन द सेकंड पिक्चर इट इज ड्राई फ्रूट. ड्राई फ्रूट्स है ये, मतलब मेवे है. सो हमें करना क्या है, दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं, है ना? यस मैम. सो डो प्लस नट. अब ड्राई फ्रूट्स को नट भी कहते हैं हम. ओके यस मैम. इसको मिक्स करने पर वर्ड बनेगा डोनट. ओके डी ओ यू जी एच एन यू टी डोनट. इट इज अ टाइप ऑफ डेजर्ट, मतलब ये एक मीठा डिश है खाने वाला, जैसे बेक बिस्किट्स होते हैं. ओके ऐसे ही. सो यहाँ पे डोनट करेंगे हम. ओके सभी, आई थिंक इसको सभी ने रॉन्ग किया था, है ना? यस मैम. ओके लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. तो आपने क्या किया इसको, फोटो फ्रेम है ना? नो मैम. मैम फोटो कॉपी होगा. फोटो कॉपी, यस फोटो कॉपी भी सही है. नेक्स्ट मैम मैंने सर्कुल, नेक्स्ट सर्कुलर मैप से ये देखा मैम, राइट किया. ओके नेक्स्ट आपका सी बैक पेपर. यस मैम. एंड लास्ट लास्ट अंडरवेट. नेक्स्ट मैम ग्रास शोपर मतलब ग्रास के ऊपर बैठने वाला, जिसको आप टिड्डा बोलते हैं ना, ग्रास शोपर. ग्रीन कलर के टिड्डे दिखते हैं ना. यस मैम. तो ग्रास शोपर. यस मैम. नेक्स्ट एफ मैम जेलीफिश. जेलीफिश मैम. जेलीफिश. ओके एंड क्वेश्चन नंबर फोर. बेटा इट वॉज द होमवर्क बट यू हैवंट डन इट. सभी ने इसको किया नहीं. हियर आर सम वर्ड्स, थिंक ऑफ एटलीस्ट एट कंपाउंड वर्ड्स विद एनी ऑफ दीज वर्ड्स. यू कैन यूज वर्ड्स ऑफ योर ओन. नेक्स्ट इज ड्रॉ द बेटा सिद्धात्री. आई होप आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरी आवाज अब तक नहीं जा रही है. ओके सो यहाँ पे करना क्या था, देयर आर मेनी वर्ड्स, वी हैव टू जॉइन दीज वर्ड्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स. एंड ऑल्सो लाइक दिस वी हैव टू ड्रॉ द पिक्चर. जैसे यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड वर्ड्स से बने हुए इस पिक्चर्स जो हैं, पिक्चर बने हुए, इनको ज्वाइन करके हमने वर्ड्स बनाया. ऐसे ही आपको भी पिक्चर्स के साथ स्को करना है. सभी ने इसको किया नहीं, किसी ने भी नहीं किया. इट्स वेरी बैड हैबिट. महक अंश, सॉरी अंश तो भी न्यू है. अरुण सिद्धात्री. अरुण बेटा आपको होमवर्क कभी नहीं आता है, व्हाई व्हाट्स द रीजन?
कोई भी वीडियो ऑफ नहीं करेगा, एवरी बॉडी प्लीज ऑन द वीडियो। करते हैं बेटा, करते हैं तो ग्रुप में सेंड क्यों नहीं करते हैं? ग्रुप में सेंड क्यों नहीं करते हैं? होमवर्क क्यों नहीं सबमिट करते हैं ग्रुप में? ये वाला वर्क आप लोगों ने क्लियर किया था बेटा? व्हाट द प्रॉब्लम, समझ में नहीं आया था क्या? यस मैम, आया था। तो फिर किया क्यों नहीं? जैसे आपको करना क्या है, पेपर, लाइट पेपर, हल्का पेपर। अब लाइट पेपर इज अ कंपाउंड वर्ड। अब हमको जैसे पिक्चर्स के थ्रू में शो करना है, सो आप लाइट बना लेना एंड फिर पेपर बना लेना, फिर साइड में ले देना लाइट पेपर। इस तरीके से जैसे यहाँ पे पिक्चर्स बना के शो किया गया है, ऐसे ही हमको भी बनाने हैं पिक्चर। ओके यस मैम, आफ्टर दिस से वी हैव टू कंप्लीट योर वर्क, करके तुरंत सबमिट करेंगे, ठीक है ना? यस मैम। तो आज का सेशन हमारा क्या है, प्रोनाउंसिएशन जंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। Look at the line. Read these lines from the poem. Yes, we'll start by the line of story. Yes, Aviral. Ma'am, आपने second नहीं बताया अभी. Okay, second में क्या था? Ma'am, fill in the blanks. Fill in the blanks with the compound words. Use the clue given in the brackets for help. The man gave the beggar a shelter for the night. अब यहाँ पे जनरस है, आपको ऐसे वर्ड बनाने हैं जो कि कंपाउंड वर्ड्स में आते हो। अब जनरस में ईमानदार, नेक, दयालु। सो बेगर को शेल्टर दिया अ पर्सन, एक पर्सन ने। वो पर्सन क्या हो सकता है? काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड है ना? ऐसे है ना? अब इसको आप थोड़ा सोचना, माइंड यूज करना ना। सब हम बता देंगे तो आप लोग अपना ब्रेन नहीं यूज करेंगे। मैम सी एन डी नहीं बस किया हूँ, सीएनडी नहीं किया। ओके, लीना वांटेड फॉर डिनर, डिनर के लिए चाहती है सैंडविच मेड विद ब्रेड, जो कि ब्रेड से बनता हो। सैंडविच तो बनाते हैं ना हम? यस मैम। ओके, एंड ई वाला नहीं समझ में आया था? यस मैम। शीला गिफ्टेड, मैम डी, मैम डी। ओके, आवर स्कूल इज टेकिंग अस टू असम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबा समय। फॉर अ क्या हो सकता है? लॉन्ग टाइम, लॉन्ग जर्नी है ना? यस मैम। ओके नेक्स्ट, शीला गिफ्टेड मी अ नोबेल अलोंग विद अ ब्यूटीफुल समथिंग दैट हैज यू। देखिए ऐसी चीज, पहले क्लू देख लेते हैं। समथिंग दैट हेल्प यू रिमेम्बर, मतलब ऐसी चीज जो आपको याद दिलाए, रिमेम्बर टू द पेज यू आर रीडिंग, इस ऐसे पेज को जो कि आप पढ़ रहे हैं। शीला गिफ्टेड मी अ नोबेल अलोंग विद अ ब्यूटीफुल मार्क, ब्यूटीफुल मैम बुकमार्क, बुकमार्क। ओके यस मैम, बुकमार्क। हाँ बेटा बुकमार्क कर लेंगे, अभी तो नहीं कोई प्रॉब्लम है ना बेटा। अंश आपको कुछ समझ में आ रहा है? अंश पांडे बेटा, जब कुछ पूछा जाए तो अपने आप को म्यूट नहीं करेंगे, अनम्यूट रखेंगे, ठीक है? आपको बोलना चाहिए ना, कुछ बोलिए अंश। So, अभी बेटा वोकैबुलरी जंक्शन स्टार्ट करते हैं हम। अभी कोई प्रॉब्लम और तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन? नो मैम, नो मैम। ओके, प्रोनाउंसिएशन टॉपिक वी विल स्टार्ट बाय द लाइन ऑफ स्टोरी। व्हेन द गोंग साउंड 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लैंड। गोंग मीन्स प्रिया, गोंग मीन्स बेल, गोंग मीन्स बेल, घंटा है ना। तो जैसे गोंग साउंड से, गोंग से, घंटे से आवाज आती है 10 बजने की, इन द मॉर्निंग
I walk to school by our land. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come here home. All the words in the bowl have the vowel O in them. So, ध्यान से देखिए, there are many words highlighted. कौन कौन से वर्ड यहाँ पे बोल्ड में लिखे हुए हैं? Look carefully everyone. Mahak. मैं morning on go on. Okay, चलिए अरुण, you tell now. Which words are highlighted? मैं morning. यहाँ पे ऑल द वर्ड्स, इन ऑल द वर्ड्स देर आर ओ साउंड. ओ का ही साउंड निकल रहा है ना, मॉर्निंग, गो, ऑन. लेकिन तीनों में जो साउंड है, ओ की जो साउंड है वो डिफरेंट है. मॉर्निंग ओ की साउंड से आ रही है, ऑर्निंग है ना. ऑन यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है. ऑन गो, गो क्लियर ओ की साउंड आ रही है ना. तो ऑल द वर्ड्स इन बोल्ड हैव द वोवेल ओ इन देम. सभी में वोवेल ओ है. एंड हाउएवर दे आर प्रोनाउंस्ड इन थ्री डिफरेंट वेज. लेकिन तीनों का हम प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट तरीके से करते हैं. ओ प्रोनाउंस लाइक मॉर्निंग, मॉर्निंग के जैसा, और मॉर्निंग और कोर डोर है ना. मॉर्निंग कोर और डोर. क्लियर? मॉर्निंग. अभी देखते हैं ऑन जैसा वर्ड, कौन से वर्ड जो ऑन से मैच करते हैं. गोंग, मैम गोंग, अलॉन्ग, मैम गोन, गोन. ओ प्रोनाउंस लाइक गो. अब गो जैसे उसे मैच करते हुए, मैम टू, एफ ओ ई, टू, सो, होम. ओके, चलिए ठीक है. नाउ योर टर्न. यू ऑल हैव टू थिंक थ्री वर्ड्स. वन वर्ड दैट इज प्रोनाउंस लाइक मॉर्निंग, वन वर्ड दैट इज प्रोनाउंस लाइक ऑन, एंड वन वर्ड दैट इज प्रोनाउंस लाइक गो. थ्री थ्री वर्ड्स अभी सर्च करिए, सभी को बताना है. अभी थिंक एवरीवन. If you know answer, you can raise your hand. Ma'am, clock. Aviral. No, ma'am. Who is telling? Siddhartri. Ma'am, ma'am. Beta Arun. Okay, Arun. Tell. क्लॉक किससे मैच कर रहा है? मॉर्निंग से. यस मैम. मैम गो ऑन. ऑन से मैच कर रहा है मैम. यस अविरल. रिकॉर्ड बेटा, एक मिनट, ऐसे नहीं. सभी को वन बाय वन, स्टॉप एवरीवन. सभी को वन बाय वन बताना है. किसे रिपीट करना है बेटा? व्हाट आर यू सेइंग महक? रिकॉर्ड. एक मिनट, अभी रुकिए. सभी हैंड शो करिए, वन बाय वन सभी को बताना है. बीच में नहीं बोलना, जब किसी कोई बोल रहा हो उसके बीच में मत बोला करिए प्लीज. चलिए महक आपसे स्टार्ट करती हूँ. महक टेल फर्स्ट वर्ड. रिकॉर्ड. रिकॉर्ड किससे मैच कर रहा है? मॉर्निंग से, ऑन से, गो से? मॉर्निंग. यस मॉर्निंग. ओके, ऑन जैसा. मैम गॉड. गॉड. यस मैम. बेटा अविरल भी बीच में नहीं बोलना था आपको, अभी महक बता रही है ना. महक ओ से नहीं आ रहा आपको, ऑन से. ओके नेक्स्ट. गो जैसा मैच. बेटा आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, पीछे से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. यस महक. आई एम सॉरी. गो जैसा. आई एम नो. लो. आई एम नो. एल ओ डब्ल्यू लो. आई एम नो. एन ओ नो.
यस मैम. ओके गुड. यस अविरल. मैम गॉड. गॉड विच मॉर्निंग से? यस मैम. ओके ऑन जैसा? बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. माइक ऑन करके बोलिए अविरल. मैम अभी बस एक ही मिला. अभी एक ही फाइंड किया. ओके प्रिया. प्रिया यू टेल. मैम अपोजिट. अपोजिट बेटा. मॉर्निंग का कॉक. मॉर्निंग का कॉक. ओके प्रिया अपोजिट नहीं मैच कर रहा है. अपोजिट मॉर्निंग. अपोजिट हाँ मॉर्निंग से मैच कर सकता है. अपोजिट मॉर्निंग है ना. बट आई थिंक गो से मैच करेगा. अपोजिट गो होम. ओके बेटा ये अपोजिट आपका होम से मैच करेगा. गो से मदर. यस मदर. मॉर्निंग मदर. यस एंड बेटा आंस आप भी बताइए. सिद्धार्थी आंस भी एक बार भी नहीं बोले हैं. सिद्धार्थी यू टेल. सिद्धार्थी माइक ऑन करिए. मैम मूड. मोड. मूड नहीं मोड होता है. एमओडी मोड. मोड हो सकता है मॉर्निंग से मोड. यस एनीबॉडी एल्स? बेटा आंस आप भी कोई वर्ड फाइंड करो. आंस बेटा. यस मैम तो बोलिए जो आपकी बात अभी तक सुनाई नहीं थी. आई थिंक आप फर्स्ट टाइम जुड़े इस वजह से नहीं बोल रहे हैं. बट बेटा बोलना चाहिए. ठीक है आपकी स्पीकर में लगा कुछ खराब है इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी. ओके बेटा तो लेट्स लुक द एक्सरसाइजेस. अभी और भी है. ओ प्रोनाउंस लाइक मॉर्निंग वॉक हॉकर. यस मोर भी हो सकता है. वेरी गुड. ओ प्रोनाउंस लाइक ऑन नायलॉन. कंप्लीट लॉन. मैं मोर बोल रहे हैं. बट बेटा मोर. मोर यस मैम. मैम मोर. कंप्लीट भी. कंप्लीट किसे मैच करेगा? मॉर्निंग से ऑन से टू से. मैम गो. कॉम्ब से गो से. कंप्लीट गो. नो. यस मैम. मॉर्निंग से मैच करेगा. कंप्लीट मॉर्निंग. रेयन. एवरीवन. रेयन. यस रेयन ऑन के जैसा. रेयन नॉलेज जैसा. यस चलिए ठीक है. अभी हम इसे साइजेस पे आते हैं. रेडी? यस मैम. फिल इन द ब्लैंक्स. बेटा अभी साइलेंट एवरीवन प्लीज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स. अभी आपके सामने हिंट्स है. We have to use the hints to make the words. Morning. भी बेटा साइलेंट रहे. प्लीज मॉर्निंग मॉर्निंग कर रहा है. मैं इसे साइड डिस्कस करें. इस पे ध्यान दो. सभी तो मेरी आवाज जा रही है प्रॉपर? यस मैम. चलिए अभी इसमें अपना माइंड यूज करिए. ओके फिल इन द ब्लैंक्स विद द विद हेल्प ऑफ द हिंट्स. देन फाइंड द वर्ड्स इन द बोल्ड सर्च पजल्स. चलिए देखते हैं. आ हिंट है अ बिग पीस ऑफ वुड हैड फॉलन इन द मिडिल ऑफ द रोड सो वी हैड टू टेक डेटर. क्या हो सकता है? फाइंड द आंसर. लुक एट द क्लू. अ बिग पीस ऑफ वुड. व्हाट डू वी कॉल अ बिग पीस ऑफ वुड? मींस लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा. इट इज कॉल्ड. मैम लॉग. मैम लॉग. अविरल साइलेंट. मैंने अविरल आपका आंसर मैंने देख लिया है. बेटा ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या किया करो? चैट बॉक्स में आंसर लिख कर दिया करें जिससे कोई देख ना पाए. yes, और मैं देख सकूं. ठीक है चीटिंग ना होने पाए. चलिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? अ बिग पीस ऑफ वुड. वन आंसर अभी तक चैट बॉक्स में आया. लेट मी सी.
अविल आप अच्छा अविल योर आंसर इज करेक्ट. चलिए महक यू टेल. डोंट नो प्रिया मैम सिद्धात्री ब्रांच 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 एनीबडी एल्स. लॉग इज करेक्ट आंसर. ओके देखते हैं नेक्स्ट किसका आंसर आया है. ब्रांच नो बेटा ब्रांच रॉन्ग आंसर. अंश ब्रांच रॉन्ग आंसर है. मतलब लकड़ी के मतलब ट्री की टहनियों को हम ब्रांच बोलते हैं. इट इज करेक्ट बट यहाँ पे क्या है हमें ओ साउंड से मैच करता है वो वर्ड फाइंड करना है. ओके सो लकड़ी के एक बड़ा टुकड़ा जिसको हम लॉग बोलते हैं लट्ठा है ना. सो यहाँ पे लॉग होगा एल ओ जी लॉग. अंडरस्टूड समझ में आया. यस अंश बेटा समझ में आया. अंश बेटा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि मेरी आवाज अब तक जा रही है या नहीं जा रही है. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे लॉग. अ लॉग हैड फॉलन इन द मिडिल ऑफ द रोड. मतलब एक लॉग गिरा हुआ था रोड के बीच में. सो वी हैड टू टेक अ डिटोर. ओके लुक एट द सेकंड. यस मैम. द डिफरेंट सिंबल इन अ डेक ऑफ कार्ड्स आर नोन एज सूट्स. इट इज अ नंबर. एक नंबर हो सकता है. कार्ड के सूट में डेक मीन्स अलग अलग पार्ट बने होते हैं जिसको हम क्लब्स बोलते हैं डायमंड बोलते हैं. बेटा किसी ने माइक अपना ऑन कर लिया. मेरी आवाज आपको डबल टाइम जा रही है. ओके हार्ट एंड स्पैड. ये कार्ड के फाइव डेक्स होते हैं. सॉरी फोर डेक्स होते हैं. क्लब्स डायमंड हार्ट एंड स्पैड. ओके सो यहाँ पे हमें वो वर्ड सर्च करना है जो कि एक नंबर हो सकता है. मैंने हिंट भी दे दिया और क्लियर भी कर दिया. अपना ब्रेन यूज करिए. व्हाट इज हियर व्हाट शुड बी हियर. फोर एफ ओ यू आर फोर. ठीक है क्लियर है. अब फोर मैंने फोर जो डेक्स के नेम बता दिए ना आपको क्लब्स डायमंड हार्ट स्पैड तो फोर ही आया ना. क्लियर हुआ. यस मैम. सो द फोर डिफरेंट सिंबल्स इन अ डेक ऑफ कार्ड्स. कार्ड्स के डेक में फोर अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लब्स डायमंड हार्ट स्पैड. ओके सो यहाँ पे क्या होगा फोर. क्लियर फोर. यस मैम. लुक एट द सेंटेंस नंबर थ्री. संगीता लाइक्स टू सीनरीज. थिंक एवरीवन मैम. टू मेक अ पिक्चर. पिक्चर बनाना इसको हम क्या बोलते हैं. पिक्चर बनाने की जो एक्टिविटी होते इट इज कॉल्ड. बेटा सभी अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. कोई बोलेगा नहीं. कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर दो. आई शुड बी हियर. संगीता लाइक्स टू सीनरीज. टू मेक अ पिक्चर. पिक्चर बनाने के लिए यूज करेंगे. पेंट. बेटा ओ साउंड से मैच करता हुआ आना चाहिए वर्ड. साउंड से नहीं है. अरे कहाँ दिल बेटा. योर आंसर इज रॉन्ग. अंश पांडे योर आंसर इज करेक्ट. बट आई थिंक आप किसी की हेल्प से कर रहे हो बेटा. यूज योर ब्रेन. नोबडी विल हेल्प यू. कोई आपकी हेल्प ना करे. यू शुड यूज योर ब्रेन. ओके अपनी अपनी समझ से करिए बेटा जिससे आपका ब्रेन डेवलप होगा. यस मैम. बेटा महक वेरी गुड. योर आंसर इज करेक्ट. Avril also your answer is correct. Draw. Okay. Drawing. Draw करना. Sangeeta likes to draw sceneries. यहाँ पे क्या होगा draw. Okay. Understood? समझ में आ गया सभी को. Yes ma'am. Okay. Look at the next sentence.
आई डोंट लाइक दिस आई सॉरी आई डोंट थिंक दिस अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग का एक पार्ट हो सकता है व्हाट इज थिंक एवरीवन आई डोंट थिंक दिस इज फिर आपको एक वर्ड फाइंड करना जो कि बिल्डिंग का एक पार्ट होगा एंड द सेकेंड वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ बीक बीक मीन्स महक W-E-A-K, weak, weak means? कमजोर, yes. तो अपोजिट ऑफ वीक वीक का अपोजिट एक में फिलअप करना है और फर्स्ट में अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग व्हाट इज एवरीवन थिंक नो बेटा महक योर आंसर इज रॉन्ग Anybody else? ओ साउंड से मैच होना चाहिए एवरी लेटर रॉन्ग ओ साउंड से मैच करते हुए रूम बनाते सॉरी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स को खड़े रखने के लिए हम कुछ यूज करते हैं जिसपे बिल्डिंग टिका हुआ होता है थिंक मैंने हिंट भी दिया हरी अब सारा मैं बता दे रहा हूं आप लोग क्या करेंगे फिर फ्लोर स्ट्रॉन्ग ओके करेक्ट बेटा आंस एनीबॉडी एल्स यस मैम प्रिया रॉन्ग बेटा चलिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है आई डोंट थिंक दिस बेटा आप किसी की हेल्प से कर रहे हैं उनसे बैड हैबिट है वेरी बैड हैबिट चलिए आई डोंट थिंक दिस मतलब मुझे नहीं लगता दिस आप यहाँ पे पोल भी कर सकते हैं POLE पोल है ना या फिर आप फ्लोर भी कर सकते हो क्योंकि फ्लोर भी बिल्डिंग का पार्ट होता है एंड पोल ऑल्सो बिल्डिंग का पार्ट है पोल मीन्स खंभा एंड फ्लोर मीन्स फर्श है ना ठीक है yes, मुझे नहीं लगता ये पोल जो है ये खंबा जो है ये बहुत ही क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा अपोजिट ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग है ना yes, आगे मैं नहीं बताऊंगी इतना मैंने बता दिया नाउ यू हैव टू थिंक अभी आप खुद का ब्रेन यूज करेंगे 5, 6, 7 आपको खुद करना है अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट सेशन में मैं बता दूंगी बट टूडे यू हैव टू डू ओके एंड ऑल्सो दिस इज एन एक्टिविटी जो भी वर्ड आपने यहाँ पे फाइंड किया है यू हैव टू फाइंड द वर्ड इन द वर्ड लेटर मैच इस मैच में आपको वो वर्ड फाइंड करना है ठीक है वेरी इजी कर लेंगे ना सो इट्स वर्क फॉर टूडे आज का वर्क है एंड बुक्सी से हम वर्क देते हैं वर्क फॉर टुमारो देख लेते हैं क्योंकि टाइम इज गोइंग टू एंड मैं जल्दी से बता देती हूँ बुक्सी भी बेटा बट आप सभी को हर दिन होमवर्क करके सबमिट करना चाहिए आप लोग होमवर्क नहीं करते तो ये बहुत बैड हैबिट इतना मेहनत आप लोग के लिए किया जाए आप लोग होमवर्क ना करो तो ये गलत बात है ओके आपकी बारी नहीं आ रही बेटा सिद्धार्थी आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ बाकी सब बच्चे सुन रहे हैं चलिए सभी ने अपने बुक्स ही ओपन किया हरी आप Yes, ma'am. मैंने आपको yes, याद है आई गिव यू होमवर्क फ्रॉम वोकैबुलरी जंक्शन वोकैबुलरी से मैंने होमवर्क दिया था तभी इसको किया नहीं है yes, ma'am. नहीं दिया था बेटा अविरल आप डिस्कनेक्ट हो चुके थे ये वर्क समझा के दिया गया था लेडी बग अर्थक्वेक वाला याद आया इट्स ऑल्सो यू वर्क इसको करना है आपको कंपाउंड वर्ड्स क्या करेक्ट कंपाउंड हो सकता है आपको यहाँ पे चूज करना है जैसे द लिटिल बॉय हैड अ लेडी बग इसमें क्लोज कंपाउंड वर्ड्स होगा या फिर हाइपन कंपाउंड वर्ड होगा या फिर ओपन कंपाउंड वर्ड होगा वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है ठीक है कर लेंगे ना ऐसे ही चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंट एड टू द नेपाल अर्थक्वेक देखिए ये क्लोज कंपाउंड वर्ड्स अर्थक्वेक है यहाँ पे हाइपन कंपाउंड वर्ड्स है विच वर्ड इज सुटेबल
फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट है ना क्लोज कंपाउंड वर्ड्स, वेरी इजी, सभी कर लेंगे इसको. प्रिया यस मैम, इट इज आल्सो वर्क फॉर टुडे, आज ही इसको भी करना है. ओके यस मैम. एंड एक्सरसाइज नंबर टू, इट इज वर्क फॉर टुमारो, इसको कल करेंगे. समझ में आया? यस मैम. इसमें कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज. यहाँ पे नीचे क्लूज दिए हुए हैं, पहले इसको हमें पढ़ना है, आंसर फाइंड करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे फिलअप करना रहेगा. ओके मैं क्लूज समझा देती हूँ, बाकी आप फिलअप करना. वी यूज दीज व्हेन वी वांट टू ईट चाइनीज द ऑथेंटिक वे. क्या हो सकता है यहाँ पे? चोप स्टिक. ओके कौन सा? फर्स्ट CHOPSTICKS. यहाँ पे आप लिखेंगे चोपस्टिक, CHOPSTICKS, चोपस्टिक्स. कर लेंगे? वन मैंने बता दिया है, ये सभी क्लूज पढ़ के आंसर निकाल रहे थे, ऐसे ही आपको क्लूज पढ़ के आंसर फाइंड करना रहेगा. ओके एक और देख लें. डू समथिंग एक्सेसिवली. एक्सेसिव मीन्स होता है आवश्यकता से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा. कोई वर्क जो हम लिमिट से ज्यादा करते हैं, व्हाट इज, वो क्या हो सकता है? यहाँ पे मैं फिलअप भी करना रहेगा. थिंक एवरीवन, लिमिट से ज्यादा कोई चीज करना. चलिए सोच ही करना आप लोग इसे, ठीक है? थोड़ा ब्रेन यूज करना, फिर नेक्स्ट टाइम मैं समझाऊंगी. पहले आप लोग कोशिश करिए, ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगी. ओके कर लेंगे, इट्स वर्क फॉर टुमारो. अभी हमने फोनिक पढ़ा है, इसका भी कर लेते हैं. फोनिक जंक्शन, फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद दीज वर्ड्स, वेरी वेरी इजी. राइमिंग वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं. You have to find two words that is match with the home. क्या हो सकता है प्रिया? होम से मैच करता हुआ टू वर्ड्स. होम साउंड्स सेम होने चाहिए. यस मैम. ओके आंस, माइक ऑन करिए. On the mic. Yes, ma'am. Tell. Bolo beta. I'm house. What? House. 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 Rhyme. इससे नहीं match कर रहा है. Home. Home से ending भी आपका O sound से आए. House में आपका U sound आ जा रहा है. House. F O A M, foam, foam हो सकता है ना? Foam means झाग होता है. F O A M, foam. और एक आप लोग सर्च करिए. D O M E, dome, dome means होता है गुंबद नुमा, गोल गोल, dome shaped houses. ठीक है? महक. लेकिन मैंने जो दो बताया उसको आपको नहीं लिखना है, आप लोग कोई नेक्स्ट वर्ड सर्च करेंगे. ये दोनों इतने तो चीटिंग हो जाएगा ना, ठीक है? यस मैम. चलिए ऐसे ही थ्रो से मैच करता हुआ, थ्रो से मैच करता हुआ, वेरी इजी. एक थ्रो से तो आप तुरंत बता सकते हैं. आई थिंक ग्रो. यस वेरी गुड. ग्रो. यस ग्रो. ब्रो. ओके सो इट्स वर्क फॉर टुमारो, ये भी कल का वर्क है आपका. कल के लिए दिस वोकैबुलरी जंक्शन से एंड प्रोनाउंसिएशन जंक्शन से, ये दो वर्क आपके कल के लिए हैं. एंड टुडे वर्क आपको दिया जा चुका है. ओके यस मैम. तो बेटा आज का टाइम ओवर होता है. गुड बाय एवरीवन, टेक केयर. गुड बाय.